हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम बिना मैदा, बिना चीनी और बिना ओवन के ड्राई फ्रूट्स को सॉक किए बगैर इंस्टेंट प्लम केक बनाएंगे। तो आज की ये नई रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। इसमें मैंने लिया है बेस बादाम, बेस काजू और चार अखरोट के गिरे को मीडियम पीस में चॉप किया है। साथ में 1.5 टेबल स्पून गोल्डन किशमिश ली है, 1.5 टेबल स्पून ब्लैक रेजिन्स, 1 टेबल स्पून मगजतरी सीड्स लिया है। हमें सब मिला के 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट लेना है। ड्राई फ्रूट्स मिला के ये 3/4 कप जितना हुआ है। इसमें हम 3 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी डालेंगे। मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी मैंने ली है। 6 ग्लेज चेरी ली है, इसे भी मैंने चॉप करके लिया है। ये सब मिला के 1 कप जितना ये हो गया। इस तरह की ग्लेज चेरी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। परफेक्ट केक बनाने के लिए हमें सभी चीजें मेजरमेंट करके ही लेनी पड़ेगी। अगर अंदाजे से लेंगे तो केक परफेक्ट नहीं बनेगी। कढ़ाई में 1/2 कप बारीक कटा हुआ गुड़ डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें ये मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसे धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए कुक किया है। गैस ऑफ करेंगे। कढ़ाई को गैस पे से नीचे उतार लेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। ये एकदम ठंडा हो गया है। इसमें 1/2 कप फ्रेश ऑरेंज जूस डालेंगे। अगर आपके पास टेट्रा पैक का है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें ऑरेंज जूस डालना है। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे। केक में डालने के लिए मसाला रेडी करेंगे। 3 से 4 हरी इलायची के दाने निकाल के लिए है, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का है। ये मिक्सर जार में डालेंगे। दालचीनी को तोड़ के डालेंगे। 2 पिंच जितना जायफल इसमें घिस के डालेंगे। 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून चीनी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे। चीनी डालने से अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। इसका पाउडर बना के रेडी कर दिया है। केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने 5 लीटर का कुकर लिया है। इसे प्रीहीट करने के लिए रखेंगे तो गैस चालू कर देंगे। आपको अगर केक कढ़ाई में बेक करना है तो कढ़ाई में भी आप बेक कर सकते हैं। 1 रिंग कुकर में रखेंगे। कुकर में से मैंने अंदर की रबर की रिंग और सीटी दोनों निकाल दिया है और ढक्कन को इस तरह से बंद करेंगे, इस तरह से ऊपर रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे कुकर को 5 से 6 मिनट प्रीहीट करेंगे। बाउल में 1/4 कप रूम टेम्परेचर का दूध डालेंगे, 1/4 कप मेल्टेड बटर। इसके बदले में आपको तेल डालना है तो तेल डाल सकते हैं, पर बिना फ्लेवर का तेल डालना है। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। ये आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बाउल के ऊपर छने रखेंगे। 1/4 कप गेहूं का आटा डालेंगे, ये 1 कप और ये 1/4 कप। आटा को इस तरह से छान लेंगे। 1/4 कप अनस्वीटन मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आप मैदा से केक बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर डालने की जरूरत नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। पाउडर मसाला हमने बनाया है, ये भी अंदर डाल देंगे और छान लेंगे। इसे हम निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने भिगो के रखा है, ये अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बैटर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। 1/4 कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। एक चौथाई कप दूध में पूरा डाल रही हूँ। बैटर को हमें गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज्यादा लूज नहीं रखना है। इस तरह का बैटर ही हम बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसके ऊपर 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर डालेंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में चला के मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। 6 इंच का केक टिन लिया है, इसे तेल से ग्रीस करके बटर पेपर लगाया है और साइड में भी मैंने बटर पेपर लगा के अंदर भी तेल से ग्रीस कर दिया है। इसमें ये बैटर डाल देंगे। लाइटली टैप करेंगे, स्पैचुला से अच्छे से अंदर स्प्रेड करेंगे। काजू बादाम और ब्लैक रेजिन्स लिया है, ये ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। थोड़ी सी चेरी ऊपर डालेंगे, टूटी फ्रूटी डालेंगे।
कुकर अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें धीरे से ये स्टीम रखेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, इसे धीमी आंच पे 50 से 60 मिनट तक बेक करेंगे। 50 मिनट हो गई है तो एक बार इसे खोल के देख लेंगे, वुडन स्टिक डाल के देख लेंगे। वुडन स्टिक एकदम क्लीन है तो केक अच्छे से बेक हो गई है। गैस ऑफ करेंगे और केक टिन को बाहर निकाल लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। केक ठंडी हो गई है तो इसे अनमोल्ड करेंगे, बटर पेपर निकाल लेंगे, डिश को इस तरह से उल्टा करेंगे, बटर पेपर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। केक को मैंने इस तरह से एक जाली पे रख के ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर दिया है। आप देख सकते हैं केक में कितनी अच्छी जाली पड़ी है, बहुत ही अच्छी केक बन के रेडी हुई है। केक को कट करेंगे, आप देख सकते हैं केक कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। इस तरह से हेल्दी केक बना के अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत ही आसान तरीके से एकदम हेल्दी केक बन के रेडी हो गई है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।